पिताजी मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, एक 5 रुपए मिलेगा क्या? 5 रुपए? हाँ। मैंने क्या नोटों के झाड़ लगा रखा है? अरे आपने झाड़ लगा तो आपसे कौन मांगता, डायरेक्ट झाड़ी लाकर नोट नहीं गिरा लेता? दो ना पिताजी, देर हो रही है। मैं तुझे एक ढेला नहीं दूंगा। ठीक है, फिर मुझसे मत कहना कि मैं नौकरी ढूंढने नहीं गया। अमर को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं। ऐसे तो बच्चा घर में बैठे बैठे खराब हो जाएगा। मेरी हालत तो ऐसी है कि फकीर लोग मेरे मुकाबले में अमीर लगते हैं। 5, 10, 15, 20, 30, 50। मार देता हूँ। ऐसे तो कंजूस माँ बाप होते हैं, 5 रुपए तो दे नहीं सकते और 1000 रुपए की नौकरी की तमन्ना रखते हैं। मुझे क्या, भाड़ में जाए नौकरी? अमर क्या है? ये लो 5 रुपए। 5 रुपए? अरे जियो भाभी, मेरी भाभी जिंदाबाद। अरे पिताजी, सारी दुनिया आप जैसी कंजूस नहीं है। ये देखो मुझे मिल गए 5 रुपए, मत चला इंटरव्यू देने। भाभी खैर महारानी, क्यों री ये रुपए तेरे पास कहाँ से आए? जी वो मेरे पास ही थे। चोटी हरामखोर, रुपए चुरा चुरा कर अमर को देती है और कहती है कि मेरे पास थे। आप मैं समझी कि अमर तेरी इतनी तरफदारी क्यों करता है, क्योंकि तू चुरा चुरा कर रुपए उसे देती है। छोड़ कहीं क्यों जी चिल्ला के आप तीन को जापान से मिला रही हैं? भाभी ने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तो फिर वो है ना, अमर को देने को है ना पैसे, भाभी को मैंने दिए थे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लो एक और कोतवाला ना आ गई। क्या? नहीं नहीं, जल्दी बताओ कहाँ से आए थे पैसे। अरे कहाँ से आया मतलब, क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे पास पैसे नहीं आ सकते क्या? इस घर में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। जल्दी से बताओ वरना जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। जिंदगी भर? हाँ। बताता हूँ, गला तो छोड़ो, देख रहे हैं, बताता हूँ। छोड़ दिया मैंने है ना, ये पैसे बड़ी मेहनत से है ना, अपनी बीवी के पल्लू से है ना चुराए थे। बीवी के पल्लू? कहाँ जाते हो? मेरे पल्लू से पैसे लेकर? आज तुम कभी छोड़ूंगी, आज तुम्हारी क्या नहीं खेल जाओ। क्या मुझे मारोगे? कहाँ भाग रहे हो? पैसे दो मेरे, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एक बार हाथ पे तो आ जाओ, खेल जाओ, कहाँ भाग रहे हो? पैसे छीनकर भाग गए। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मैं कुछ करता हूं। दादा दादा क्या है बे साले? हाँ दादा दादा, आज हम बहुत बड़ा हाथ मारे लाए, ये देखो। वाह, पर एक लड़का हमारा पीछा कर रहा है। लौंडा? हाँ, वो रहा। क्यों बे चिकने, क्या चाहिए बे तेरे को? भाई साहब, उस बेचारी बुढ़िया के पैसे वापस लौटा दो। ए, छोड़ दे इसे, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, समझा? साला आप उनका नाम खराब करेगा क्या? वैसे देख तो सही, बटेर से भी वजन कम है इसका। चुप बे। हाँ तो तेरे को पैसा चाहिए? हाँ ये रहे पैसे, आजा बेटा, अगर तेरे में हिम्मत है तो ले जा। मुझे मालूम था
तू मुझे पैसे ऐसे देगा नहीं। ये रही मेरी फाइल और मेरी घड़ी, जो जीतेगा वही पैसा लेगा। वाह भिड़ वाह, बात में तो दम है बाबा। वो तो है। ये लीजिए माजी। बेटे, मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अरे नहीं माजी, ये कैसी दुआ दे रही हैं आप? अगर दुआ ही देना तो ऊपर वाले से इतना कह दीजिए कि ओ ऊपर वाले, इस नीचे वाले को एक अच्छी सी नौकरी दिलवा दे, और कुछ नहीं। बेटे, भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। अमर बेटे, अब सेवा बहुत हो चुकी है। किसी हिंदू होटल में चलते, मुंह हाथ धोते और एक कप चाय पीते, क्या ख्याल है? उफ़ो, कहाँ गया वो हीरो शिवलाल यादव? कुछ पता चला मुंशी जी? जी हाँ, वो एक लड़की के साथ भाग गया है? जिसकी वो प्रेमिका थी। नहीं, मेरा मतलब है वो लड़की उसकी प्रेमिका थी। सत्यानाश हो उसका, अब क्या होगा? शो होगा। मगर कैसे? लोग तो हॉल में आ चुके हैं और उनको अच्छी तरह मालूम है कि मुकाबला लड़का और लड़की के बीच में है, और लड़के को ना पाकर वो तो सीट कुर्सी सब तोड़ डालेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप जाइए और जाकर किसी एक्टर को पकड़ कर ले आइए। हाँ, मैं किसी न किसी को तो पकड़ ही लाऊंगा, लेकिन समझ गई। बहुत है जी। और जल्दी। हाँ जी। पता नहीं इतनी जल्दी में कहां से कोई प्ले। अनिल कपूर जी। अरे अनिल कपूर जी। आप हिंदुस्तान के इतने बड़े हीरो होकर इस फटीचर हालत में यहाँ क्या कर रहे हो मियाँ? ओ भाई साहब, आपने भंग पी रखी है, आप पागल हो गए हो। मैं कोई अनिल कपूर शपूर नहीं हूँ। लेकिन तुम तो बिल्कुल अनिल कपूर लगते हो मेरे पपैया। मेरा काम और भी आसान हो गया। तुम्हें नाचना गाना तो आता ही होगा ना? हाँ, क्यों? बात दरअसल ये है कि हमने आज यहाँ पर एक शो रखा है और हमारा हीरो अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया है। तुम जरा अंदर चलो और थोड़ा नाच गा लो ना। अबे ओ गंचक्कर, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ और तुम मुझे नचवाना चाह रहे हो? मियाँ किसी और को ढूंढो। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे नाच ना। अबे जाना। अरे ना। अबे आना। 1000 रुपया है, नाचेगा ना? अरे इस 1000 रुपये में मैं क्या, मेरा पूरा खानदान नाचेगा? तो चल अंदर। ओ भाई साहब, जरा मेरी बात सुनेंगे? मैं अनिल कपूर जैसा नहीं हूँ। क्या? अनिल कपूर मेरे जैसा है, क्या समझा? समझ गया मेरे बाप। अब अंदर चल।
चला मेरा काम हो गया। अब क्या होगा? साइड प्लीज जरा आओ आओ आओ, अरे जरा हटो, आओ मेरे पपैया। ले आया सीमा जी। मुंशी जी, ये आप किस जोकर को पकड़ लाए? जोकर? नहीं नहीं सीमा जी, है क्या? नहीं नहीं, शक्ल देखी है इसकी आपने? एकदम छछुंदर दिखता है। अरे ओ पालतू चिपकली, कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? आईना भी देखकर काम जाता होगा। क्या तुमने मुझे चिपकली कहा, वो भी पालतू? यू आप यू करती रह जाएंगी और लोग पर्दे फाड़ कर अंदर आ जाएंगे और आपको ऐसा फाड़ देंगे कि आपके घर वाले भी आपको पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें देख लूंगी। देख लीजिए, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से देख लीजिए। हिंदुस्तान में वन पीस हूँ, जो आदमी एक बार देख ले कभी भूल नहीं पाता। चलता मुची। अरे तू कहाँ जा रहा है मेरे पपैया? गुस्सा थूक दे अनिल कपूर। सीमा जी, वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए, शो का टाइम हो गया। एक मिनट मुंशी जी। ठीक है, तो तुम्हें गाने का बड़ा शौक है। अच्छा, तो तानसेन की छठी औलाद, इस मुकाबले में मैंने तुम्हारे छक्के नहीं छोड़े ना, तो मेरा भी नाम सीमा नहीं। अरे वो तो लोगों की तालियों की गूंज ही बताएगी कि कौन कितने पानी में है।